पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र गुट द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में भी काफी नाराजगी देखने को मिली। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने शिक्षकों के सर्वसम्मत से 13 सितंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव में किसी भी प्रकार की सहभागिता करने से इनकार कर दिया है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों पर हमला काफी निंदनीय है। शिक्षक पर हुए हमले के विरोध में सभी शिक्षकों ने सर्वसम्मति से आगामी चुनाव में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया है, जिसकी लिखित सूचना उन्होंने कुलपति को सौंपी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक पर हमला करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। विद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा LLB के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, शिक्षक संघ क्या स्टैंड ले रहा है इस पर? सर, हमें जैसे ही सूचना मिली कि विश्वविद्यालय में कुछ अराजक तत्वों ने विधि विभाग के शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया और विधि विभाग के छात्र यदि तुरंत न निकल के आए होते तो मिसहैंडलिंग कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कुर्सियाँ भी चलाई थी और ईंटा भी चलाया, तो चोटिल तो नहीं हुआ लेकिन उन्होंने अटैक किया। और जैसे ही विधि विभाग के शिक्षकों ने हमें सूचित किया और संकायाध्यक्ष ने भी और सारे विधि विभाग के शिक्षकों ने लिख करके हमको दिया और संकायाध्यक्ष ने भी लिख करके दिया, इस पर हमने तुरंत अपनी कार्यकारिणी और अपने जितने पदाधिकारियों की तत्काल बैठक हमने बुलाई और हमने यह निर्णय लिया कि ऐसे अराजक माहौल में जब हमारे शिक्षक मार खा रहे हों और उनको धमकियां भी मिल रही हों, ऐसी स्थिति में शिक्षक संघ जो है छात्र संघ चुनाव में कोई सहयोग नहीं करेगा। ये हमारी पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पास किया कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग तुरंत कुलपति जी को हम लोगों ने लिख करके अपना पत्रक उनको सौंप दिया है कि आगे जो कुलपति जी निर्णय करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी अभी प्रेस में हमने रिलीज भी किया है, कार्यकारिणी की 3 बजे बैठक हुई दोबारा कार्यकारिणी की बैठक में, उसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि उन अराजक तत्वों को चिन्हित करके उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो हम भविष्य में कक्षाओं का बहिष्कार भी करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। अब मुझे जो लगता है कि विश्वविद्यालय के छात्र को ऐसा नहीं किसी शिक्षक के साथ कर सकते, निश्चित तौर पर ये कहीं कहीं से अराजक तत्व थे और इसी वजह से उन्होंने मिसहैंडलिंग का प्रयास किया और जो शासन चुनाव होने की दशा में था उसको डिस्टर्ब करने का उनका कुछ प्रयास मुझे लगता है कि यह है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शिक्षक सुरक्षित नहीं रहेंगे, उन पर हमले होंगे, तो शिक्षक संघ कैसे चुनाव में अपनी सहभागिता कर सकता है या सहयोग कर सकता है? अपनी जान जोखिम में देकर तो नहीं कोई कर सकता। इसलिए हमारी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से पास किया कि हम शिक्षक संघ का कोई भी सदस्य छात्र संघ चुनाव में सहयोग नहीं करेगा। जिला प्रशासन से क्या मांगते हैं सर? ये जो अराजक तत्वों ने जो हमारे शिक्षकों के साथ मिसहैंडलिंग का प्रयास किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको चिन्हित करके तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए।